वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जी केस। ये है वृंदावन ब्लॉक और जिसमें हम घूमेंगे वृंदावन की कुंज गलियां। आज हम आपको लेके आए हैं वंडीर वन। यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान का गंधर्व विवाह हुआ था। ये मेरे पीछे ही है वो स्थान, मंदिर बना है। यहाँ पर गंधर्व विवाह की रस्में हुई थी। खुद इस स्थान पर खुद भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर इस विवाह को संपन्न किया था। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ हम आए हैं। सांवरे फूलों सा जीवन निखर गया, फूलों सा जीवन निखर गया। श्री राधा कृष्ण विवाह वर्णन। एक दिन नंद बाबा कन्हैया जी को गोद में लेकर भंडीर वन गईयां चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कन्हैया जी को छिपाने लगे। तभी वहां पर दिव्य भेष में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कन्हैया जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। राधा रानी कन्हैया जी की गोद में लेकर भंडीर वन के एकांत वन में पहुंची, जहां कन्हैया जी बाल्यावस्था से किशोर बन गए। तभी वहां उनकी माया द्वारा 1000 खंभों का स्वर्ण एवं रत्न जड़ित मंडप, जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, प्रकट हुआ। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति से दोनों का पणिग्रस्त संस्कार करवाया एवं ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भरवाई और विवाह संपन्न हुआ। वह उपरांत माया द्वारा निर्मित मंडप अनेक हो गए। तुमसे मिल करके सांवरे, तुमसे मिल करके सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया। कुछ वैसे थे, कुछ आपकी महफिल जैसे थे, रेतों के महल थे आंखों में, क्या कहूँ ख्वाब मेरे कैसे थे। तेरी शरण में आते आते ही, तेरी शरण में आते आते ही हर सपना मेरा सवर गया। वंडीर वन में ये प्राचीन कुआं बहुत ही ऐतिहासिक है। आज भी यहाँ इस कुएं से पानी भरकर अपना स्नान करते हैं और भोलेनाथ को स्नान करवाते हैं। आज भी वो महिलाएं जिन्हें बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता, वो यहाँ अमावस्या वाले दिन स्नान करती है और यहाँ पे उस दिन खूब मेला लगता है। और जल्द ही लड्डू गोपाल की महिमा से उनके गोद में भी एक लड्डू गोपाल खेलने लग जाता है। इस सावन महीने में भोलेनाथ को इस पवित्र जल से स्नान कराने का अवसर हमें भी मिला। तो चलिए मेरे साथ आप सब भी भोले शंकर को स्नान करवाएं।
तुमसे मिल करके सांवरे, तुमसे मिल करके सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया, फूलों सा जीवन निखर गया। जमीन पर गिर पड़ते हैं तो राधा रानी की सत्या बोली कि हमारी राधा रानी जीत गई, हमारी राधा रानी जीत गई, खुशियाँ मनाने लगी। कृष्ण भगवान को बार बार उदास होने लगी। कृष्ण भगवान बोले जीत तो मेरी हुई है, राधा रानी की नहीं। मैंने आप जीत तो आपको नीचे पड़े, राधा रानी आपसे ऊपर है। तो मैं कलर देख रहा हूँ तो बार बार सत्या बोली आप ऊपर देख रहे हो आकाश की तरफ, और राधा रानी कलर देख रहे हैं जमीन की तरफ देख रही है। जो सर उठा के चल जा रहा है उसकी जा रहा है उसके सर झुका के कृष्ण भगवान ने अपनी जीत बताई। ये पीछे बलराम जी दर्शन जो कृष्ण के बड़े भैया हैं दाऊद जी, दाऊद जी ने यहाँ लंबा सुर कवच किया जो कंस का भेजा हुआ दैत्य आता है, फिर रहता है एक लम कृष्ण पाली एक लम दाऊद जी की पाली। सर की अतैसी जो हार जाएगा अपनी पीठ पर बैठा के वंशी वटक लेके जाएगा, क्योंकि प्रहलाद का वंशी का था कृष्ण तो भगवान उसे मान नहीं सकते थे, उसलिए अपने बड़े भैया से कद्दार कराया था लंबा सुर। उधर कृष्ण भगवान राधा रानी की हवा चली, जब तेरे नाम की हवा चली। मंदिर वन की इस यात्रा के बाद अब हम बढ़ चले हैं बंसी बट की तरफ। ये देखिए गौशाला, और अब हमारा सफर बंसी बट की तरफ रवाना हुआ। तुमसे मिल करके सांवरे, तुमसे मिल करके सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया। वृंदावन से यहाँ पहुँचने तक हमें 15-20 मिनट लगे। पहले हम मंदिर वन गए और उसके बाद वंशीवट। वंशीवट एक बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है। संतों और महात्माओं से इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया है। यहाँ आकर एक सुकून मिलता है। यहाँ पे विराजमान महाराज जी के हमें पावन दर्शन प्राप्त हुए। हमारे सौभाग्य था कि हम जब गए तो उनके दर्शन हमें मिले, और उनके द्वारा मुखवाणी से हमें कुछ हमने बातें की, और दर्शन करते हुए हम इस स्थान पर थोड़ी देर हमने विश्राम किया और उनके द्वारा दिया गया प्रसाद को खाया। ये देखिए महाराज जी के दर्शन आप सब भी ज़रूर कीजिए। ये स्थान श्री कृष्ण भगवान जी के बाल अवस्था का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ लड्डू गोपाल जी अपनी बाल्यावस्था में आते थे और इस वट वृक्ष में बैठ के बंसुरी की धुन बजाते थे और गैयाँ चराते थे। तो राधा रानी और सखियाँ यहाँ पर आती थी और यहाँ पे रास लीला होती थी। तो ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर आज भी बंसुरी की ढोलक की मधुर धुन सुनाई देती है। ये वट वृक्ष 5000 साल पुराना वट वृक्ष है, और आज भी अगर एक कान बंद करके इस पे कान रखकर सुना जाए तो आज भी ढोलक निगाड़ों की और बंसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो इंसान बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जिसे उसकी इस मधुर आवाज़ की कानों में पड़ते ही मधुर सुर सुनाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आकर इसकी धुन सुनना एक बहुत ही अलौकिक मन का भाव है। और ये देखिए मोरों से ये वंशीवट भरा हुआ है। बहुत से संत महात्मा यहाँ पर कुटिया में रहते हैं
और रोज़ाना इन मोरों को चारा देते हैं। तो यहाँ मोर बहुत देखने को मिलते हैं, मोरों से भरा हुआ ये वंशीवट स्थान है। और ये स्थान है वंशीवट के समीप श्याम तलैया, मतलब वो तालाब जहाँ पे राधा रानी, उनकी सखियाँ और कृष्ण भगवान स्नान करने आते थे। ये तालाब वंशीवट के समीप ही बना है और बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ आकर और इन सब चीज़ों को देख के मन को बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए हम वापस चलते हैं वृंदावन की तरफ और इस यमुना जी के दर्शन करते हुए हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रहें मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए।